हाँ जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के की सब्जी। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला है, बिल्कुल झंझट नहीं है बनाना, और स्वाद तो पूछिए ही मत, इतना टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इसको ज़रूर एक बार बनाइए। अभी मक्के का सीजन है, मार्केट में बड़ी आसानी से मक्का मिल जा रहा है, तो चलिए बनाते हैं हम इस मक्के की सब्जी। ये देख, बिल्कुल ताज़ा मक्का हम लेके आए हैं, हम गांव से इसको लेकर के आए हुए हैं और बिल्कुल ताज़ा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे। 20-25 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया होगा, अब हम इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, इसका दाना जो है दाना निकाल लेंगे। इस तरह से पहले एक धाड़ी लगा लेंगे चाकू की मदद से, उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा पूरा दाना। देखिए इस तरह से करके, उसके बाद क्या करिएगा, इस तरह से दाना, सारा दाना इस तरह से निकाल लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है इसका सब्जी खाने में, आप ज़रूर एक बार अपने घर में बनाइए। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं कि दो टमाटर ले लिए हैं, और इसमें चार हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इसका क्या करेंगे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हम इसको पीस लिए हैं, एकदम बारीक पेस्ट बना लिए हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे जिसमें डालेंगे बटर, और बटर जले नहीं इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। सिर्फ बटर डालने से बटर जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें हम। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाले हैं लेकिन हम दिखा नहीं पाए हैं आप लोगों को। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो मीडियम साइज़ का प्याज हम बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे और इस प्याज को गोल्डन कर लेंगे भून के। देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, और टमाटर मिर्ची और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखे हुए हैं उसको हम इसमें डाल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। कच्चा रहेगा तो फिर टेस्ट इसका कच्चे का टेस्ट आ जाएगा, इसलिए कच्चापन इसका बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अभी अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का जार, थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डाल के धो के इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको 2-2.5 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे ढक देंगे। अब हम मसाला जब तक हमारा पक रहा है तब तक हम क्या करते हैं, एक शिमला मिर्च ले लेंगे और इसको हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा इसका कर लेंगे। अब हम क्या करें, 2-3 मिनट बाद देखते हैं मसाले को। मसाला हमारा आधा लगभग पक चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं, शिमला मिर्च जो काट के रखे हैं अभी उसको हम इसी में डाल देंगे, और फिर से क्या करेंगे हम 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। शिमला मिर्च जो डाले हैं वो थोड़ा पक जाए इसके लिए 2-3 मिनट के लिए डाल देते हैं। 2-3 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है, मसाले अच्छी तरह से भून जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल मसाला हमारा तेल छोड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके इसको अच्छी तरह से और भून लेंगे, और भूनने के बाद क्या करेंगे, अब हम मक्का जो उबाल के रखे हुए हैं इस मक्के को हम इसमें डाल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, मसाले के साथ इस मक्के को अच्छी तरह से मिला लेंगे, 1-2 मिनट के लिए और भून लेंगे इसके साथ हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी डालेंगे। हम जब भी सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी हो, तो हम ठंडे पानी का यूज नहीं करते हैं, हम गर्म पानी ही डालते हैं सब्जी में। गर्म पानी थोड़ा सा डाल दिए हम इसमें, जितना ज़रूरत है। अब इसको हम ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे
10 मिनट के लिए लगभग, 10 मिनट के बाद देखिए सब्जी लगभग हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब्जी हमारा लगभग रेडी है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।